आज मैं आपको 6 ट्रिप ऐसी देने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हो। देखो क्या है, सबसे पहली, व्हेन यू आर अलोन माइंड योर थॉट। होता क्या है, जब हम अकेले होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये करें ये करें वो करें। अगर हमने उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस रखा कि हमें लाइफ में सिर्फ ये ही करना है, सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस रखा, हमारा काम भी अच्छा होगा, हमारी चीज़ें भी अच्छी होंगी। ठीक है, टिप नंबर 2, व्हेन यू आर विथ फ्रेंड माइंड योर टंग। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, अपनी जीभ पर आपको कंट्रोल आना चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है, कभी कभी जो आपके दोस्त होते हैं, मानते हैं कि दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, पर किसी किसी को बुरी लग जाती है कहीं ना कहीं बात। तो आपको अपनी बोलने वाली चीज़ पे कि सामने वाले को भी बुरी ना लगे, अपने को भी बुरी ना लगे, यही चीज़ हर किसी में होनी चाहिए कि जब भी किसी दोस्त के साथ हो अपनी टंग पे कंट्रोल रखो। व्हेन यू आर एंग्री माइंड योर टेम्पर। ठीक है, जब आप गुस्से में हो तो आपका जो गुस्सा जो है ना, जो गुस्सा हाई होता है उसे पालना सीखो। गुस्सा करना अच्छा होता है, ये मैं मानता हूँ, हर जगह अच्छा नहीं होता, हर जगह बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जहाँ जहाँ अच्छा है आप वहाँ पे करिए, उस गुस्से को पालना सीखिए। जहाँ पे वो यूज होता है आप उसे वहाँ यूज करना सीखिए। 4, व्हेन यू आर इन ग्रुप माइंड योर बिहेवियर। अगर आप किसी ग्रुप में हैं, बिजनेस ग्रुप में, देखो एक होता है फ्रेंडशिप का ग्रुप, वो तो इनफॉर्मल है, उसमें तो आप कैसे भी करके बात कर लेते हो, कैसे भी कर लेते हो, पर उसमें भी आप संभल के रहिए, संभल के बात करिए, क्योंकि अपनी जीभ पर कंट्रोल रखिए। ऐसा मत बोलिए कि सामने वाले को क्या बुरा लग जाए। पर जब आप होते हो एक बिजनेस ग्रुप में, अपनी कंपनी के ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने टीचर्स के ग्रुप में, उस टाइम अपने बिहेवियर को ऐसे रखिए कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो, आपसे डिट्रैक्ट ना हो, कि वो ये आपके पास दोबारा बात करने के लिए आए। ये बिहेव आप अपना ऐसा बनाइए। फिफ्थ, व्हेन यू आर इन ट्रबल जब आप मुसीबत में हो माइंड योर इमोशन। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग मुसीबत में आके इमोशन खो बैठते हैं कि यार ये दिक्कत आ गई, अब क्या करें, अब ये करें, अब वो करें, अब ये करें, क्या करें। क्या करो यार, सॉल्व करो जिस चीज़ को। जब तक ये सारी चीज़ अगर दिक्कत में आ जाती हैं, किसी किसी प्रोग्रामिंग की अगर बोलूँ कि जब एरर आ जाते हैं तो प्रोग्रामर बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि यार इतने सारे एरर कैसे करें, क्या करें, वो करते नहीं है। बस यही जो इमोशन है आपके, उसे कंट्रोल करना सीखो। उस चीज़ को ये देखो कि हम ये कहना सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उन इमोशन की जगह इस चीज़ पे देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आपका काम भी अच्छा बनेगा। लास्ट, बिल्कुल 6, लास्ट वाली, व्हेन गॉड स्टार्ट ब्लेसिंग यू माइंड योर ईगो। जब, ये बहुत ज़रूरी है, जब भगवान आप पे ब्लेस करना स्टार्ट कर दे, दया करना स्टार्ट कर दे बिल्कुल, तो आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। कुछ लोगों में होता है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हो जाते हो, पर आप अपना ईगो शो मत करिए। आप ईगो शो करोगे, आप ये याद रखिए कि अगर आप भी 0 से स्टार्ट हुए थे तो दूसरा इंसान भी जिसको आप ईगो दिखा रहे हो वो भी 0 में स्टार्ट हुआ। एक कहावत 30 के ऊपर कि इज्जत कमाने में पूरी उम्र चली जाती है, गंवाने में 1 सेकंड नहीं लगता। इन 6 चीज़ जो मैंने आपको बताई है, इन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी हो जाएगी सामने वाला इंसान आपसे दोबारा मिलना चाहेगा। इसका इम्पैक्ट आप अपने बिजनेस पे डाल सकते हो, अपनी जॉब पे डाल सकते हो, अपने प्रमोशन पे डाल सकते हो, अपने बिहेवियर पे डाल सकते हो, अपनी रेगुलर लाइफ पे डाल सकते हो। देखो इतना फ़ायदा है इन 6 चीज़ों का, पर दिक्कत ये है कि हम लोग इस पर फॉलो नहीं करते। ठीक, पर इस पर आप फॉलो करना स्टार्ट करिए, एक बार करके देखिए, आप एक ही करके देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही कह रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तब आप आगे जाके 6 पे जाइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।